नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यमुनानगर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोप न साबित होने पर अनिल कुमार पुत्र नरेश कुमार निवासी इस्माइलपुर थाना सढ़ौरा को 26 महीने बाद बरी कर दिया है। जिला सत्र न्यायाधीश संदीप सिंह की कोर्ट ने अनिल कुमार को निर्दोष मानते हुए जिला जेल से रिहा करने के आदेश जारी किए। अनिल कुमार की ओर से मुकदमे की पैरवी कर रहे एडवोकेट राजेश कुमार धीन ने बताया कि उनके मुवक्किल अनिल कुमार को उसके ही पड़ोसी और दूर के रिश्ते का भाई लगने वाले ने अपना बहन को मोहरा बनाकर रंजिशन पॉस्को एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज करवाया था। वे अपना पक्ष न्यायालय में मजबूती से रखने में कामयाब रहे। अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर उनके मुवक्किल अनिल कुमार को बाइज्जत बरी कर दिया। एडवोकेट राजेश कुमार धीन ने बताया कि आपसी रंजिश में किसी बेगुनाह की जिंदगी बर्बाद करना सही नहीं है। कानून का प्रयोग पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए किया जाना चाहिए, न कि किसी बेगुनाह को फंसाने के लिए। आपको बता दें कि 2020 में इस्माइलपुर निवासी एक नाबालिग लड़की की शिकायत पर अनिल कुमार पुत्र नरेश कुमार के विरुद्ध पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज करवाया गया था। लड़की का भाई आरोपी से कई बार झगड़ा होने पर रंजिश रखने लगा था। इसके चलते अपनी रंजिश निकालने के लिए उसने अनिल कुमार के खिलाफ पॉस्को एक्ट समेत अन्य धाराओं में तहत केस दर्ज करवा दिया था। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव चौधरी की रिपोर्ट। जब भी कोई अगर ऐसा कोई होता है, गलत काम होता है, तो सारा समाज उसमें गालियां देता है। लेकिन जो ये के एक्ट बनाए गए हैं, जैसे पॉक्सो बनाया, इसलिए बनाया गया था ये कि किसी के साथ, किसी बच्चे के साथ गलत ना हो। लेकिन उसका ये लोग नजायज फायदा उठाकर अपनी किसी भी रंजिश के तहत जो लोगों के खिलाफ वो कराते हैं, मुकदमे दर्ज कराते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे पास लगभग एक साल पहले ही आया था और इसमें पॉक्सो 5 और 6 लगी हुई थी, तो 363 थी, 366 ये थी किडनेपिंग की थी दोनों। तो इसमें क्या हुआ कि इनका जो मैंने पाया, इसमें देखा गया कि ये मैटर जो था पारिवारिक रंजिश का था। पारिवारिक रंजिश के कारण इस लड़की ने अपने भाई के उसमें आगे इसके खिलाफ ये पर्चा दर्ज कराया था। जो था कौन था, कहाँ करने वाला? ये इस्माइलपुर गांव के थे दोनों ही, एक परिवार के ही हैं दोनों। जो इस्माइलपुर का ये अनिल के खिलाफ इन्होंने पर्चा दर्ज कराया था जी। तो कितने महीने से चल रहा था ये मामला, कब हुआ था मामला? जी 26 महीने पहले की बात है, 2020 में जिस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ था उस टाइम का था ये मैटर। तो तब से जेल में ही है अनिल? हाँ, तब से जेल में ही था। तो इसके इस दौरान कोई जमानत वगैरह भी नहीं? नहीं, जमानत इसके हाई कोर्ट में डाली थी, लेकिन वहाँ पे जो वकील था उन्होंने दूसरे सेक्शन में डाली थी, लेकिन जो विड्रॉ करनी पड़ी थी। तो यहाँ पे एविडेंस थी इसके, दोबारा डाली नहीं थी, लेकिन ऐसे ही बरी करा दिए। तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने यही कहा कि जो ये लड़ाइयाँ होती हैं पारिवारिक, इनका फायदा उठाते हैं लोग इस एक्ट के तहत। जो पॉक्सो एक्ट बनाया था इसलिए गया था ये कि जो विक्टिम होती है जिनके साथ वाकई नजायज होता है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि इसको ना अपनी पारिवारिक कोई भी रंजिश, किसी के साथ भी रंजिश निकालने के लिए ना इन कानूनों का जो फायदा उठाया जाता है ऐसे लोगों द्वारा, ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी बनती भी है और करनी भी है, क्योंकि डेफेमेशन के तहत इनके खिलाफ मैं केस डालूंगा मानहानि का, और उसके अकॉर्डिंग फिर जो आगे कोर्ट करती है। कौन सी कोर्ट ने दिया है सर फैसला? ये संदीप सिंह की कोर्ट ने, फर्स्ट ट्रैक कोर्ट। तो क्या आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।